फिटनेस ट्रैकर्स तो आजकल इतने सस्ते हो गए हैं कि 200 रुपए में भी आपको ऑनलाइन कई फिटनेस ट्रैकर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे में क्या वो बातें ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी फिटनेस ट्रैकर को खरीदने से पहले, खास तौर पर जब वो बेहद सस्ता हो, तो आज इसी बारे में बात करते हैं। फिटनेस ट्रैकर कोई भी हो, सस्ता हो या महंगा हो, इस्तेमाल करने में बेहद आसान होता है। और इस्तेमाल करने में बेहद आसान होने से मेरा मतलब सिर्फ यही नहीं कि कैसा उसका यूज़र इंटरफेस है, बल्कि सेटअप करना कितना आसान है उस फिटनेस ट्रैकर को। उसके अंदर से जो भी वो डेटा आपका सेंस कर रहा है, जो ट्रैक कर रहा है आपका फिटनेस का डेटा, उसे एक्सेस करना कितना आसान है, उसे रीड आउट करना कितना आसान है, तो ये सारी बातें किसी भी फिटनेस ट्रैकर को खरीदने से पहले आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है किसी भी फिटनेस ट्रैकर में, फिर वो सस्ता हो या महंगा हो, कि उसमें तगड़ी बैटरी लाइफ होनी चाहिए। अगर फिटनेस ट्रैकर में बैटरी लाइफ हुई ना अच्छी, तो फिटनेस ट्रैकर ऐसा किस काम का। कम से कम 1.5 दिन की बैटरी लाइफ तो होनी ही होनी चाहिए। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ किसी भी फिटनेस ट्रैकर में होनी चाहिए, वो है स्टाइल और कम्फर्ट। स्टाइल इसलिए कि थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए कि जिसे आप रोज़ पहन सकें, साथ ही में कम्फर्टेबल भी इतना होना चाहिए कि आप उसे पूरे दिन पहन सकें, और अगर किसी दिन अपने जिसे कहा जाए कलाई से उतारना भूल जाएं, तो इतना कंफर्टेबल हो कि रात में पहन के अगर सो जाएं तो भी कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही कंपैटिबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी फिटनेस ट्रैकर को खरीदने से पहले, फिर चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो। ऐसा फिटनेस ट्रैकर किस काम का जो आ तो जाए 200-500 रुपए में, लेकिन उस फिटनेस ट्रैकर पे सिर्फ स्टेप काउंट के अलावा और कुछ हो ही ना, या वो जो मशहूर ऐप्स हैं या जो आपके पसंदीदा ऐप्स हैं जिनसे आप अपनी फिटनेस डेटा को ट्रैक करना चाहते हैं, उनके साथ वो कंपैटिबल ही ना हो, तो ऐसा फिटनेस ट्रैकर भले ही कितना सस्ता हो किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले कंपैटिबिलिटी चेक कीजिए कि क्या वो आपके फ़ोन के साथ कंपैटिबल होगा या नहीं होगा, और दूसरा उसकी कंपैटिबिलिटी जो मशहूर फिटनेस जो डेटा कलेक्ट करने वाले ऐप्स हैं या जिन ऐप्स को आप यूज़ करते हैं या करना चाहते हैं, क्या उनके साथ उस फिटनेस ट्रैकर की कंपैटिबिलिटी है या नहीं। ये चेक कीजिए कि वो वाटर रेजिस्टेंट या डस्ट रेजिस्टेंट है या नहीं। अब अगर 200-400-500 रुपए का कोई फिटनेस ट्रैकर आ रहा है, तो इस बात के चांसेस है कि शायद वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस उसके अंदर नहीं होगी, या वाटर डस्ट प्रूफ नहीं होगा, आईपी रेटिंग उसके अंदर नहीं दी हुई होगी, IP68 या IP58 सर्टिफिकेशन उसके अंदर शायद नहीं होगा। लेकिन स्टिल कम से कम स्वेट रेजिस्टेंट तो हो सकता है कि आप जॉगिंग के वक्त पहन के रखे हैं और पसीने से ही पता लगा शॉर्ट सर्किट हो जाए उसके अंदर, तो ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए ना। तो ये बात ज़रूर देखिए कि ड्यूरेबिलिटी कितनी उसके अंदर है। तो ये वो चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप किसी फिटनेस ट्रैकर को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। ये वो 5 फिल्टर थे जो अगर आपने अपने दिमाग के अंदर उतार लिए, तो आपका शॉपिंग डिसीजन जब भी आप कोई फिटनेस ट्रैकर खरीदने के लिए जाएं, वो काफ़ी पुख्ता पर समझदारी से भरा हुआ होगा। तो फटाफट ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को जो फिटनेस में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और खरीदना चाहते हैं एक फिटनेस ट्रैकर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।